लेकिन सज्जाद तरीन इस वक्त हमारे साथ हैं, सज्जाद तरीन पाकिस्तान से हमारे साथ। सज्जाद तरीन, एक बार भारत पाकिस्तान की जो रावलरी है उसको अलग करते हुए एक आपसे जर्नलिस्टिक अप्रोच से आपसे मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता नहीं कि तालिबान की वकालत करते करते पाकिस्तान ने वही भारत की बात को और मजबूत कर दिया कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादियों को पालता है, अपने आतंकवादियों को पनाह देता है, क्योंकि पूरी दुनिया तालिबान को आतंकियों के तौर पर ही देख रही है। नॉट अ सिंगल कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी हो। देखें, ये आपने जो बात कही है ना, ये आप दरमियान से बात उठा के शुरू कर देते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जब सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान में आया तो दुनिया भर से तमाम जहाजियों को अमेरिका लेके आया। यहाँ अमेरिका ने दुनिया भर के जहाजियों को यहाँ जमा किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी स्पीच में ये बात कही है कि दुनिया भर से सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद करने के लिए मुजाहिदीन को लाया गया और इन मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस में जो है इस्तकबालिए दिए, जोराने दिए गए, इशाइए दिए गए और इनको मुजाहिद बनाया गया। दुनिया भर से लोगों को यहाँ जमा करके और खत्ते की सूरत खराब। सज्जाद भाई देखिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ अफगान मूल के लोग हैं, मैं उन तक जाता हूँ। सज्जाद तरीन मेरे साथ यहाँ पर अफगान मूल के लोग हैं, मैं चाहता हूँ मैं अपना वर्जन नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो बताएंगे आपको कि कैसे यहाँ पर वो पाकिस्तान के इस टेररिज्म से खुद वो पीड़ित हैं। आप यहाँ मेरे साथ हैं, कई बार हम लोग बात करते रहते हैं अफगानिस्तान को लेकर और आप कहते रहते हैं कि भाई हमारे पीछे हमें पाकिस्तान ने वहाँ से खदेड़ दिया, क्यों कहते हैं आप? सज्जाद तरीन से बताइए। जी सज्जाद भाई, क्या ये कि दुनिया पता है कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक टेररिस्ट है, ये दुनिया पता है। अभी सबूत दिया कि हम उसका अफगानिस्तान के टेररिस्ट किया। हम 20 साल होगा कि पाकिस्तान के हमारा पीछे है, लोग का तालीम दिया, अफगानी लोग का फसाद दिया, माजे लेकिन वो तो कहते हैं कि हम खुद टेररिज्म से हम खुद उसका विक्टिम है। मैम जी जी हेलो जी, जैसे कि पूरा दुनिया वालों को पता है कि 5 साल की बच्चे को 25 साल के जेंस का यही पाकिस्तान पालते पोसते मदरसों में यूनिवर्सिटी जो तालीम देते अफगानिस्तान से उठा के लाते उनको ब्रैंड वॉश करके इनको तालिब बना के बेचते हैं। और कभी ये इमरान खान जो है, कभी फैज़ हमीद को अपने यही क्रिकेट बॉल की तरह शूट करते हैं अफगानिस्तान में रास्ता दिखाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, ये जो बात कही है ये असल में उस पर लागू है, उस सोच पर, कट्टर सोच पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब कट्टरता इस पूरी दुनिया की दुश्मन है, जब आप मजहबी नारे लगाकर किसी की हत्या करते हैं, कोई मजहबी नारा लगाते हैं और साथ में गोलियां दागते हैं और उसने हत्थे को हाथ बांधकर मार देते हैं, ये वाली जो सोच है वो अपनाने के बाद और उसको प्रश्रय देने के बाद पाकिस्तान कहता है कि देखिए हम पीड़ित है। लेकिन हॉटलाइन पर कुछ आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या खबर आ रही है इस वक्त। जी जी बोलिए। अच्छा देखिए, मुझे जो खबर आ रही है जो इस वक्त मेरे पास अभी पीसीआर ने मुझे जो मेरे फोन पे भेजी है वो खबर मुझे लगता है बतानी चाहिए हमारे दर्शकों को, शायद हॉटलाइन पे भी वही खबर आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमले हुए हैं। देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं आपको जो इस वक्त हमारे पास आ रही है, आपके सामने रखूं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमले हुए हैं और ये बहुत बड़ी खबर। और क्या इसमें TTP का हाथ है, क्या इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये खबर अपने आप में बताती हुई कि पाकिस्तान ने जो सांप पाला है आज ये उसी को डसता हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमले की खबर है। मैसन सर आपसे चाहूँगा इस पर एक कमेंट करें आप। देखिए मैं अफगानिस्तान में 2.5 साल था और आज मेरे को फख्र है अपने अफगानी भाइयों को देख के कि वो अपना झंडा, जो देश का झंडा है वो उन्होंने लहराया हुआ है और उन्होंने अपने देश के झंडे को अपने ऊपर रखा हुआ है। मैंने कई चैनल्स में बोला है कि पाकिस्तान की कैसे हिम्मत हुई है एक देश के झंडे को बदली करने की। आपका झंडा 100 साल से ज़्यादा पुराना झंडा है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही थी और इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे बोल सकते हैं कि आपके देश को उन्होंने गुलामी से छुटकारा दिया है। मैं तो बोलूँगा ये पाकिस्तान ने तकरीबन अफगानियों की बात कर रहा हूँ, तकरीबन अगर काउंट किया जाए 3 मिलियन अफगानी 1974 से लेकर आज तक मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पश्तूंस हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, ड्यूरेंट लाइन के जो नकली बॉर्डर है। मैं तो अभी उस पर भी चर्चा करूंगा। जनरल मैस्टन वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं।
बोलिए सर, मुझे आप पर फख्र है, वो इसलिए कि आप इंडिया कंट्री एक पब्लिक बंदे हो, फिर भी अफगानिस्तान का स्पॉन्स हो और तरफदारी करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन मैं जी, एक मजे की बात आपको बता दूं, वो तालिबान का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन तालिबान उसको कह रहा है कि तुम अपनी नसीहतें देना बंद कर दो, हमारे यहाँ मदाखलत ठीक नहीं होगी। दूसरे सुनिए एक सेकेंड, उधर वो तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए दौड़ लगा रहा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान की नींदें हराम किए हुए है। जनरल मेस्टन, ये चल क्या रहा है और क्या होगा आगे पाकिस्तान का? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म जो जड़ है वो है पाकिस्तान, उसमें कोई शक नहीं है। अब उसको आप तालिबान बोलिए, हकानी बोलिए, या जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, ये सारे उनके ही हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। वो खुद को विक्टिम कैसे बता देता है? वो विक्टिम जैसे चाइना धमकी देता है तो वो अपने को सिंपथी गेन करने के लिए अपने को विक्टिम बोलता है। विक्टिम कैसे बोल सकता है? क्या वो पाकिस्तान भूल गया है? नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में, स्वात के इलाके में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से फायरिंग की है, आर्टिलरी इस्तेमाल की है। अपने इंडियन आर्मी ने आज तक कभी किया कश्मीर में? बिल्कुल नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।